सो फिलहाल मेरे साथ हैं अनुपम जी के बहुत ही अजीज़ हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट उनकी ओर से आए हैं, चीफ गेस्ट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय किसान दल के, और ये हमारे साथ हैं। जानते हैं कि आज की जो हमारी IGT फैशन ओवर 2015 के बारे में उनका क्या अभिप्राय है। सबसे पहले तो आपके सारे इवेंट ऑर्गेनाइज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिस प्रकार से आपने इतना सुंदर प्रोग्राम किया है वह काबिले तारीफ है। और सूरत जिस प्रकार का माहौल, यहाँ से जो कपड़ा पूरे वर्ल्ड में जाता है, ऐसा फैशन शो हमने पहली बार देखा। बहुत खुशी हुई इस फैशन शो को देख के, इसमें रोज़गार मिलेगा युवाओं को, नए जो जनरेशन है जो अपनी काबिलियत बता सकते हैं, उनको आज खुलने का प्लेटफॉर्म मिला। सो आप मानते हो कि IGT प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सारे यंग नए टैलेंटेड डिज़ाइनर्स को? बिल्कुल 100% IGT ऑर्गेनाइज को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तय किया, और ये मुझे ऐसा विश्वास है कि ये बहुत आगे जाने वाला है और नए युवाओं को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाला है। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, IGT को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो किस तरह से आप अपनी तरफ से योगदान देंगे? IGT को अगर राष्ट्रीय किसान दल सपोर्ट करना चाहता है तो हमारा एक ही है कि हम राष्ट्रीय किसान दल में भारत के जितने भी हमारे गरीब किसान हैं वो कैसे कैसे आगे बढ़े, उनके लिए आमदनी का जरिया कैसा हो, इसलिए हमने एक सिस्टम बनाया है कि खादी ग्राम उद्योग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना। हम खादी की अच्छी से अच्छी डिज़ाइन पैटर्न बनाएंगे, उसमें बैग आ गए, सूज आ गए, आपके सारे कमीज़ आ गए, सलवार सूट आ गए, और अभी इवेंट में सबसे बड़ा हमारा गुजरात का एक कल्चर है गरबा, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उस गरबे में जो भी डिज़ाइनें होगी वो हम खादी के कपड़े सबको हाथ जोड़ के बोलेंगे आप खादी यूज़ करो, उसके अंदर अच्छे से डिज़ाइन करने का प्रयत्न करेंगे। हम अनुप जी से सलाह लेंगे और भी जो भी लोग हैं उनको इसमें शामिल करेंगे और खादी को सबसे ज़्यादा प्रमोट करेंगे ताकि देश के किसानों का भला हो। क्या बात है, ये एकदम सही सोच है, क्योंकि कहते हैं ना कि बी इंडिया ट्रू इंडियन, अगर आप खादी पहनते हो तो आप इंडियन हो। तो इसीलिए कहते हैं ना, हमारे नरेंद्र मोदी सर ने भी कहा है कि अपने इंडिया के ही प्रोडक्ट आप यूज़ करो, तो खादी इज़ लाइक नंबर वन फॉर दैट। तो इस तरह से ये योगदान देना चाहते हैं, सो थैंक यू सो मच। और एक शब्द में अगर IGT के लिए कुछ कहना है तो वो एक शब्द क्या होगा? IGT के लिए अभी मेरे पास ऐसा शब्द नहीं था, खुश हूँ मैं बोल नहीं सकता हूँ, मगर इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि IGT एक नए युवाओं के लिए नया रोजगार का मार्ग बनेगा, ऐसा मेरा दिल से इच्छा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर व्यूज़, थैंक यू सो मच।